तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले बीटीटी के बारे में, मतलब बिट टोरेंट कॉइन है। काफी सारे लोगों ने लिए हुए, काफी सारे लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे हैं, इंस्टाग्राम में पूछ रहे हैं, टेलीग्राम पे पूछ रहे हैं कि बिट टोरेंट कॉइन का क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आज की वीडियो में मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि एक खुशी की बात बता रहा हूं, लेकिन दोस्तों पूरा एनालिसिस देखने वाले हैं और जिन लोगों ने भी लिया हुआ है उन लोगों को मैं इतना बता सकता हूं कि आपका अमाउंट जो है वो रिकवर हो जाएगा। अगर आपने ओल्ड टाइम हाई पे भी लिया है रिकवर हो जाएगा। यहाँ पे हमारी चैनल पे हम ऐसा हवा में बात नहीं करते, हम यहाँ पे मैं आपको सारा एनालिसिस दिखाता हूँ, उसके बाद आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि कैसे सारी चीजें काम करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम एक ही है कि मैं यूट्यूब में दिन में एक वीडियो डाल सकता हूँ, यहाँ पे काफी सारे कॉइन्स है। तो दोस्तों मैंने अपना टेलीग्राम चैनल, काफी सारे लोगों ने बोला कि टेलीग्राम चैनल पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ, तो दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल है टेक विद केयू, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, यहाँ पे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो वो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे आपको सारी डिटेल्स, मतलब अर्जेंट अपडेट, जो भी अगर आपको ये कॉइन बाय करना है, ये कॉइन सेल करना है, जो भी अर्जेंट चीजें आती है मैं सारी चीजें वहां पे बता देता हूं। तो दोस्तों वहां पे आप डेफिनेटली जाके सब्सक्राइब कर लो। हे गाइस, आई एम केयू, यू आर वाचिंग टेक विद केयू YouTube चैनल। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन देख पा रहे हो, मैं आपको यहाँ पे बेसिक से सारी चीजें यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बिट टोरेंट और यहाँ पे उसका रैंक अभी है मार्केट रैंक 28 और आप उसका प्राइस देख सकते हो 0.591 रुपीस और अभी ये हाई चल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो बीटीसी के पेयर में ये हाई चल रहा है, इथेरियम के पेयर में लो चल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हाई चल रहा है उसका मतलब कोई नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे हम नीचे देखेंगे काफी सारे लोगों ने यहाँ पे, और एक चीज आप देख लीजिए टैग्स में, आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, मतलब कंप्यूटिंग की जो सारी चीजें हैं, स्टोरेज, आपको पता होगा बिट टोरेंट इसी पे काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये अगर हाई पे चल रहा है फिर भी हमारे लिए तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं नीचे दिखा देता हूँ काफी सारे लोगों ने ये ओल्ड टाइम हाई पे लिया हुआ है या फिर कोई भी एक हायर वैल्यू पे आपने यहाँ पे लिया होगा। तो दोस्तों वो वैल्यू मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, तो काफी सारे लोगों ने, मैं रुपीस में बता रहा हूँ, 1.005 मतलब एक रुपए में भी इस कॉइन को लिया हुआ है। काफी सारे लोगों ने उससे कम हो फिर भी 0.9 पे लिया है, 0.8 पे लिया है, लेकिन दोस्तों अभी तो मैंने आपको जैसे बताया 0.5911 हो चुका है। तो दोस्तों ये क्यों हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका जितने लोगों ने लिया हुआ है वो है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों ने ले लिया था, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे जैसे ही प्राइस डिक्रीज, मतलब प्राइस डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे पहुंचने के बाद काफी सारे लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे आपका प्राइस डिक्रीज हो जाता है और जिससे यहाँ पे बिट टोरेंट का भी प्राइस डिक्रीज हो गया। और अभी पिछले कुछ दिनों में तो आपको पता ही होगा कि बिटकॉइन डाउन चल रहा था, काफी सारे आपके जो सारे ओल्ड कॉइन्स है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन आपके सारे ओल्ड कॉइन्स भी डाउन हो गए थे, यहाँ पे मार्केट पूरा क्रैश हो चुका था। तो दोस्तों ये भी हम बात करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं यहाँ पे दिखा दूं कि आप कॉइन मोमो में देख लीजिए यहाँ पे बिट टोरेंट की तरफ से अभी कोई भी इवेंट्स नहीं आने वाले हैं। तो दोस्तों और एक यहाँ पे चीज, ये बिट टोरेंट का ऑफिशियल यहाँ पे ट्विटर अकाउंट में ये ट्वीट है, आप देख सकते हो, काफी हंसी आएगी, टेल मी द ट्रूथ आई एम रेडी टू हियर इट। और यहाँ पे ये क्या बता रहा है, यू वॉन्ट बी रिच ओवरनाइट, मतलब बिट टोरेंट बोल रहे हैं कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, आप उसका कॉइन लो, लेकिन काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा कि आपको, मतलब अमीर बनने में, आपको रिच बनने में। तो ये यहाँ पे बिट टोरेंट की जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है आप यहाँ पे देख सकते हो, bittorrent.inc ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में उन लोगों ने बताया है। तो दोस्तों अब ये सारी चीजें तो आपने देख ली, यहाँ पे भी एक आपको प्रूफ मिल जाता है कि ये अभी थोड़ी देर में, तो मतलब कुछ दिनों में तो नहीं होने वाला। दोस्तों अब उसका टेक्निकल एनालिसिस भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने आगे बोला था कि यहाँ पे हवा में बातें नहीं करते। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक जो वैल्यू है, मैं वैल्यू दिखा देता हूँ, 0. ये यूएसडी में है, आप कन्वर्ट कर सकते हो INR में, तो यहाँ पे यूएसडी में, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ पे हमें यूएसडी में ही मिलता है, तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, अभी जो वैल्यू है 0.0078, तो वहां पे ये बीटीटी का रेजिस्टेंस है। मतलब आप, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रेजिस्टेंस जो लाइन है उससे नीचे उसकी वैल्यू नहीं जा रही है। और आप यहाँ पे और एक मैं चीज दिखा देता हूं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे तो ओल्ड टाइम हाई गया, उसके बाद ओल्ड टाइम हाई गया तो डेफिनेटली वैल्यू नीचे आएगी, लेकिन जैसे ही वैल्यू नीचे आई
तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल काफी सारे है, रेड कैंडल्स भी है, तो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ऐसे ऊपर नीचे ग्राफ होता रहा। और दोस्तों अब यहाँ पे देख सकते हो हम अभी इस पोजीशन पे है। तो दोस्तों यहाँ पे जो टेक्निकल एनालिसिस हमने की है ये रेजिस्टेंस लाइन है। यहाँ पे आप मैं थोड़ा और जूम करके अगर आपको दिखा दूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका ग्रोथ किस डायरेक्शन में जा रहा है। आप यहाँ पे ये लाइन अगर देख पाओ, यहाँ पे ये डॉटेड लाइन जो है ऐसे स्लेंटिंग डॉटेड लाइन है, तो इस एंगल पे ये ग्रोथ हो रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है और इसकी वजह से ये क्या होगा, यहां से ये वापस यहां से ऊपर जा सकता है, नीचे आएगा, ऊपर जा सकता है, नीचे आएगा। लेकिन आपने यहां पे लिया है तो ये थोड़े टाइम के लिए तो यहां पे ऐसा ही होगा, फिर एक टाइम आएगा जब वो ऐसे करके ऊपर यहां पे इस हिसाब से मूवमेंट करेगा इस ट्रेजेक्टरी में। तो दोस्तों आप यहाँ पे डेफिनेटली समझ सकते हो मैंने जो बताया कि आपका यहाँ पे ऑल टाइम हाई यहाँ पे था इस पॉइंट पे। इसको वापस आपको ड्रॉ करके दिखा दे जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे आपका ऑल टाइम हाई था, लेकिन ये अगर यहाँ से थोड़ा ऐसे मूवमेंट करता है, थोड़ा आगे जाएगा ऐसे होता रहेगा, और इसके बाद अगर वो यहाँ से ऐसे मैंने जैसे आपको एनालिसिस दिखाई तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से लेके, आप देख सकते हो कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो दोस्तों ये मैंने हवा में बातें नहीं की, यहाँ पे एनालिसिस मैंने आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हो, तो दोस्तों डेफिनेटली थोड़ा टाइम तो लगने वाला है, ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में आपका डबल हो जाएगा ट्रिपल हो जाएगा, ये सिर्फ डोज में ही हो सकता है। तो दोस्तों आई होप ये एनालिसिस के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने ऑल टाइम हाई पे लिया है और अगर आप थोड़े टाइम होल्ड कर सकते हो तो होल्ड कर लो, आपका डेफिनेटली रिकवर हो जाएगा और ये ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस करेगा, ऐसी बात नहीं है कि क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन आपको इसके लिए वेट करना होगा। तो दोस्तों आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे आंसर कर दिया होगा। दोस्तों और कोई भी क्वेश्चंस है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा। और दोस्तों यहाँ पे और एक चीज बता दूं कि मेरा टेलीग्राम पेज है टेक विद के, और कोई भी अर्जेंट अपडेट आती है क्रिप्टो करेंसी कोई भी कॉइन के बारे में क्या हो रहा है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, तो अर्जेंट बाय सेल जो सिग्नल्स होते हैं वो भी मैं वहां पे दे देता हूं। तो दोस्तों वो टेक विद के टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम पेज है टेक विद के, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। और दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब के बाद में आपको बेल आइकन भी मिल जाता है वो भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, थैंक यू, जय हिंद।